वेलकम टू बिलूड गांु गए आज की स्टूडेंट बताने वाले आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिकल वेरिफिकेशन में आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा कम्प्लीट इफॉर्मेशन आप लोग वीडियो में बता रहे हो सभी कॉलेज में गैस आप लोग का सेम डॉक्यूमेंट लगने है वाला है ठीक है गैस बात आती है गैस कुछ कॉलेज में एक दो डॉक्यूमेंट ज्यादा लगेगा लेकिन वह गैस नॉर्मली जो आप लोग का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा ये सभी जो मैं आप लोग बताऊँगा वही डॉक्यूमेंट आप लोग रिकॉर्ड होगा जैसे कि आप लोग आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकल वेरीफिकेशन सोलह अगस्त से स्टार्ट होने वाला गैस लेकिन मैं आप लोग बताऊंगा गैस सोलह अगस्त से नहीं होगा क्योंकि आप लोग का एडमिशन अभी चल रहा है तो गैस थोड़ा सा लेट होगा ठीक है यानी आप लोग मान लो आप लोग फिजिकल वेरीफी यानी डॉक्यूमेंट का जो होगा ये आप लोगों का सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा अब बात आती है गैस आप लोगों का डॉक्यूमेंट क्या क्या रिकॉर्ड होता है वो आप लोग समझ लो तो गैस ये मैं आप लोग बता रहा हूँ श्यामलाल कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर का है यानी दो का जो नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग में आप लोग बता रहा हूँ और गैस आप लोग डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम लगने वाला ठीक है तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोग लगने वाला प्रिंट आउट और ऑफ़ योर अप्लीकेशन डिटेल ठीक है सेकेंड जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगेगा कॉपी ऑफ सी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लगेगा जो कि आप बोल सकते हो इनलॉजमेंट स्लिप ठीक है इक्नॉलमेंट स्लिप आप लोग लगेगा ये ध्यान में रखना ठीक है सी एस एस रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने किया था ठीक है थर्ड पॉइंट आप लोग एडमिशन फिर सिप्ट लगेगा फिर आप लोग फोर्थ जो कि पॉइंट है मार्क्स शीट जो आप लोग सर्टिफिकेट लो लगने वाला एक क्लास टेंथ का और आप लोग का क्लास ट्वेल्थ का मार्क्स शीट लगेगा ठीक है थीके? ये आप लोग ध्यान रखना सर्टिफिकेट सेकेंड आप लोग का लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट अब बोलोग कहाँ से बनेगा तो गैस ये आप लोग स्कूल से बनाना पड़ेगा ठीक है और छ मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इस ठीक है छः मंथ तक ही वैलिड रहता है तो आप लोग बनाना पड़ेगा स्कूल से जाकर आप लोग ईजिली बनाकर वो दे देंगे ठीक है जिस जिसमें आप लोग स्कूल से किए हो ठीक है नेक्स्ट आती है बात माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की तो गाइस यहाँ पर समझ लो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आप लोग कोई नीड नहीं है आप लोग कोई भी माइग्रेशन नहीं लगेगा आप लोग कोई परेशानी नहीं क्रिएट होगी बात करते हैं गाइस ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आप लोग दिल्ली के स्टूडेंट हो तो नहीं लगेगा बातें अगर आप लोग किसी और इन सॉरी किसी और स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो गैस मान लो आप लोग यूपी से बिहार से या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो आप लोग गैस ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कैसे आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा लेकिन जिन्होंने दिल्ली से पास किया है ट्वेल्थ उनके लिए कोई माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा ये आप लोग ध्यान में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट जो कि आप लोग नाइन डॉक्यूमेंट है कैटगरी सर्टिफिकेट जो आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे एस सी एस टी ओ बी या ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट हो गैस तो आप लोग टू कॉपीज लगने वाला है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है इसके बाद बात करते हैं टेंथ पॉइंट आप लोग स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट हो तो गैस आप लोग आप लोग आई किए हो तो दे सकते हो ठीक है फिर आप लोग इन्वॉर्मल लेटर फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी बोल सकते हो गैसाइस डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग को रहना चाहिए ठीक है ठीक बारह पॉइंट आप लोग अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग गैस ये सभी कॉलेज में लगना लगेगा आप लोग और गैस इसके आप लोग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा तो आप लोग ये ध्यान रखना है एंटी रैगिंग आप लोग सभी में लगेगा ठीक है फिर आप लोग ऐसे कैटेगरी है गैस इसके बात करते हैं और आईडी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि लिखा हो आप लोग का चौदह पॉइंट ये आप लोग का जरूरत नहीं है गाइस ठीक है और जब भी गाइस आप लोग का 2023 का लिस्ट आएगा गाइस मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा तो गाइस ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लो ये सभी डॉक्यूमेंट गाइस आप लोग फिजिकल वेरीफिकेशन के टाइम लगेगा अगर आप लोग चाहोगे कि गैस किसी टाइप का आप लोग अपलीकेशन कर देगा गैस तो इस बार वैलिड नहीं होगा इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लो ठीक है एक और आप लोग गाइस मान लो आप लोग किसी डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों ने हेफी डेबिट दिया होगा इस ओरिजिनल तो गाइस उसको अपडेट करवा लेना ठीक है मान लो आप लोगों ने एडमिशन का टाइम कोई सब डॉक्यूमेंट दिया होगा कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था मैंने इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने हेफीडिविट लगाया तो गाइस इसको आप लोग अपडेट करवाने लेंगे गाइस ठीक है तो इस वीडियो में आप लोग बता दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगे और जब भी मैं लगेगा गाइस जब भी स्टार्ट होगा आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिशियल आप लोग दो हजार तेईस का आ जाएगा अभी गाइस किसी कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं आएगा इसलिए मैं आप लोग श्यामलाल कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट था गाइस इसके ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोग दोबारा से बताता हूँ गाइस एक आप लोग लगने वाला आप लोग प्रिंट आउट अप्लीकेशन डिटेल तो सबसे इस रजिस्ट्रेशन का फिर आप लोग मार्कशीट लगेगा इस सर्टिफिकेट क्लास टेंथ का ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट लगने वाला लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा फिर आप लोग माइग्रेशन अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है तो अगर आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा जो दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी बोल सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के टाइम लगेगा तो बस आशा करता हूँ वीडियो पसंद है उसे लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करना अगर कोई कमेंट रहती है तो नीचे कमेंट करना मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय भारत